आप सभी ने ऐसी गाड़ियां देखी होंगी जहां आमतौर पर 3 से 5 लोग बैठ पाते हैं। क्या आपको लगता है कि गाड़ी में हेलीपैड हो सकता है, या क्या आपको लगता है कि गाड़ी में स्विमिंग पूल हो सकता है? मुझे यकीन है कि मेरी तरह आपको भी यही लगता होगा कि यह संभव है। हालांकि यह एक वास्तविकता है, यह पूरी तरह से संभव है। मैं आपको बताती हूँ, 1986 में कैलिफोर्निया में जे ओरबर्ग नाम के एक गाड़ी कस्टमाइजर थे। उन्हें छोटी गाड़ी नहीं चाहिए थी और उन्होंने 60 फीट लंबी गाड़ी बनाई। वह ऐसी गाड़ी बनाने के लिए बहुत उत्साहित थे। गाड़ी में 26 पहिए थे। आमतौर पर एक गाड़ी में आगे एक इंजन होता है, हालांकि इस गाड़ी में आगे एक इंजन था और पीछे की तरफ एक इंजन था। अद्भुत! यह एक उन्नत इंजन था जिसे V8 कहा जाता है। भारतीय गाड़ी स्विफ्ट में आगे एक V4 इंजन होता है और यह एक बेसिक इंजन है। V8 इंजन बहुत शक्तिशाली होता है और गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। इस लंबी गाड़ी में 2 V8 इंजन थे। यह गाड़ी हमारी भारतीय गाड़ियों से काफी अलग है। लोग सोचते होंगे कि गाड़ी को रिवर्स करना मुश्किल होगा। इस गाड़ी को दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। तो पार्किंग करना भी बहुत आसान है। 60 फीट की इस गाड़ी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी का नाम दिया है। हालांकि जे ओरबर्ग 60 फीट की गाड़ी से संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने गाड़ी को 100 फीट लंबा बनाया। यह वास्तव में एक अनोखी गाड़ी है जिसमें अद्भुत विशेषताएं हैं, जैसे गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, हेलीकॉप्टर को गाड़ी पर उतारने के लिए हेलीपैड आदि बनाया गया है। पहली बार ऐसी गाड़ी बनाई गई है। इसमें दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस गाड़ी का नाम द अमेरिकन ड्रीम रखा गया है। जय ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसी गाड़ी चलाना असंभव होगा। मुझे यकीन है कि आप सभी भारत में एक सामान्य आकार की लिमोजिन चलाने के लिए उत्साहित होंगे, सही है ना? हालांकि भारत में लिमोजिन की अनुमति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सड़कें बहुत संकरी हैं और ऐसी गाड़ियों के लिए जगह नहीं है, इसलिए यह नियमों के खिलाफ है। गाड़ियों के आकार को लेकर बनाए गए कानून हैं और लिमोजिन ऐसे कानूनों में शामिल नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अगर लोग रिश्वत देते हैं और ऐसी गाड़ियां पाने का प्रबंधन करते हैं। आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे और आपको पार्किंग करने में मुश्किल होगी और इससे बहुत सारे झगड़े भी होंगे। मुझे खेद है कि इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी छोटी गाड़ी चलाएं।